लड़कियों की शादी हो रही है। अगर बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी में हम तुम्हारे बाप हैं। आप जोड़ा टांगने वाले लोग हो बीजेपी में। चित्रा जी, कुछ नहीं चलती आपकी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेरी गुड। सावरकर का चेला कहते हैं, मैं नहीं कहता। हमारे में अंतर है। आप अपने आप को सावरकर का चेला कहते, मैं तो नहीं कहता। ये आपको पता नहीं है, आप डॉक्टर हो कि मेरे को कई बार समझ में आता है आपकी डिग्रियों की जांच होना बड़ी जरूरी। आज इस वीडियो में बात बीजेपी नेता संबित पात्रा की करते हैं। वैसे तो संबित पात्रा अपनी हर डिबेट में विपक्षी नेता को करारे जवाब दे ही देते हैं, पर ऐसे भी कुछ डिबेट हैं जिसमें विपक्षी नेता संबित पात्रा पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। आज तक पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा से किए, फिर कांग्रेसी नेता गौरव वल्लभ से किए। गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा की डिग्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। वो पूरा फिर इन्होंने कहा और ये कि ऐसे ही आंकड़े कर्नाटक यूपी बिहार सबके भैया चाहिए तो दे दूंगा। फिर इन्होंने कहा कि इवेंट हमने तो कल ही सोच लिया था। अरे मैंने तो जो ही कल राहुल जी की पीसी का जब रात को मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा कौन सा ट्रोल मंत्री क्या ट्वीट करेगा, और वैसा के वैसा हुआ। सारे जो ट्रोल मंत्री है जिनके पास विभाग का काम नहीं है, सिर्फ ट्रोलिंग करनी है, और प्रवक्ता क्या पूछ रहे हैं सवाल उसका जवाब देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड का सवाल पूछा इन्होंने, आज आपको समझा देता हूँ। आप तो शायद क्योंकि आपने शुरू में इनको डॉक्टर बोला तो मुझे लगता है ये मेडिकल के शायद डॉक्टर है। भैया जिनको कोरोना हो जाता है ना, उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है 90 दिन तक वैक्सीन नहीं लगता है। ये आपको पता नहीं है। आप डॉक्टर हो कि मेरे को कई बार समझ में आता है आपकी डिग्रियों की जांच, प्रधानमंत्री जी की डिग्री, आपकी डिग्री और एक 10वीं पास मंत्री की डिग्री, इन तीनों की जांच होना बड़ी जरूरी है। आज तक पर धर्मांतरण के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने अपना पक्ष रखा। इसके जवाब में विपक्षी नेताओं ने संबित पात्रा के सवालों का करारा जवाब दिया। अंजना जी, अभी जाकिर नायक को सपोर्ट करते हुए हमारे जो रहमानी भाई बैठे हुए थे वो उठ के चले भी गए। आप देखिए, आज अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात छपी है, ये जो मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था, इनको आत्मघाती हमले के लिए भी तैयार किया जा रहा था, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। जी अंजना जी, जाकिर नायक के ऊपर अगर डिबेट होती तो मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेता, क्योंकि संबित पात्रा जी फुल तैयारी में आए हैं। एनीवे, अगर आप चाहती हैं कि मैं इसका जवाब दूं तो मैं जवाब देना पसंद करूंगा। बोलिए। पहली बात तो ये कि जाकिर नायक को जितना सीरियसली संबित पात्रा जी ले रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि सिर्फ 5% इतना सीरियसली आप कुरान को समझने में लगा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम अल्लाह की किताब है, जाकिर किताब नहीं है। नहीं, मैं आपको भगवत गीता समझाता हूँ, आप आइए ना, 2% ही लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या बात है कि मैं कुरान को समझने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल समझने को तैयार हूँ। जाकिर नायक को हम लोग लाइट में क्यों ले। जी न्यूज पर कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने विपक्ष पर हमला किया, जिसके बाद विपक्षी नेता ने भी संबित पात्रा को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं चाहता हूँ मेरे देश में सबसे पहले हेल्थ केयर अच्छा हो, ताकि मेरा कोई देशवासी भाई ऑक्सीजन की खातिर, वेंटिलेटर की खातिर ना मरे, जैसा कि भाजपा की सरकार की वजह से पिछले दो साल से लोग यहां मर रहे हैं। कितने लाख लोग मरे हम आज ये भी नहीं जानते, वो आंकड़े नहीं है। गंगा में कितनी लाख जानते नहीं, और कितनी लाशें इन्होंने गंगा के किनारे दफनाई मेरे हिंदू भाइयों की, कोई आंकड़े नहीं है हमारे पास। माजिद साहब, गंगा माँ के पास मत जाओ, यहाँ तो लौट आओ जरा कश्मीर में। नहीं नहीं, देखिए दीपक भाई, मैं तो भारतीय हूँ, पूरे देश की बात करूंगा। देखिए संबित भाई, मैं भारतीय हूँ, देश की बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आप इमरान भाई जान के साथ। थैंक यू माजिद भाई, पहली बार आज आपने अपने आप को भारतीय कहा है, मैं तो स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। पहले हम पूछते थे आप भारत को अपना मानते हैं कि नहीं, आप भारतीय हैं कि नहीं, आप मानते ही नहीं थे। आज पहली बार आपने कहा मैं तो भारतीय हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेरी गुड। सावरकर का चेला कहते हैं, मैं नहीं कहता। हमारे में अंतर है। आप अपने आप को सावरकर का चेला कहते, मैं तो नहीं कहता। टॉपिक पर चेला, चलिए चलिए, आप बुरहान वानी के ही चेले सही। टॉपिक न्यूज 24 की एक डिबेट में संबित पात्रा और नवाब मलिक आमने सामने आए। इस डिबेट में संबित पात्रा ने नवाब मलिक पर टिप्पणी की, जिसके बाद नवाब मलिक ने संबित पात्रा को सुना दिया। नहीं नवाब मलिक जी, आप तो खाली ब्लैक बेल्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, जरा जरा रुकिए ना, एक बवासीर का डॉक्टर जो एक महिला का ऑपरेशन करके मार डालता है, वो कोई पार्टी का प्रवक्ता भी कुछ बोल रहा था और वो समझा रहा था देश में कैसे अच्छा होगा, कैसे जो महिलाओं के साथ महिलाओं को मार के बवासीर का डॉक्टर है और राजनीति ज्ञान बांट रहा है। पे बात करते हैं, फेक न्यूज पे इतना मत चिल्लाइए। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, नवाब मलिक? अरे आप तो दाऊद इब्राहिम से बात करते हो नवाब मलिक। एक बार का तो रिलेशन है दाऊद इब्राहिम के साथ, शादी हुई है आपके घर की बच्चियों के घर में, बिल्कुल आपके घर की लड़कियों की शादी हुई है, आपके घर में हम भी छात्र हैं। यहाँ पे
नवाब मलिक, अगर तुम पहुंची करोगे तो बदतमीजी जी में हम तुम्हारे बाप है, आप समझे, अवकाश में रहो, समझे, तो हम दाऊद इब्राहिम की धमकी यहाँ मत दो हमें, दाऊद इब्राहिम महिलाओं को मारने वाले, यहाँ दाऊद इब्राहिम का धमकी मत दो, बिना डिग्री के डॉक्टर बदतमीजी बंद करो, बिना डिग्री के डॉक्टर बंद कर दीजिए। आज तक पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में किसान नेता राकेश टिकैत एंकर के सवाल का कोई जवाब दे रहे थे, तभी संबित पात्रा ने कुछ बोलना चाहा, जिसके बाद राकेश टिकैत और संबित पात्रा के बीच तीखी बहस हुई। करेंगे ना, आप सरकार हैं और सरकार को किसानों की बात तो सुननी ही पड़ेगी ना। अरे आप हमारी बात से भी बातचीत करवा दो सरकार से, आपकी अगर बात, अरे आपकी भी कुछ नहीं चलती भाई, समित पात्रा जी आपकी भी कुछ नहीं चलती, आप जोड़ा टांगने वाले लोग हो बीजेपी में, कुछ नहीं चलती आपकी भी, आपको तो क्या कागज दे रखे, टीवी पे बैठो और अपना बात बताओ, जनता को बहकाओ, आपकी क्या चलती है, आपके तो जो बड़े नेता हैं उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं है, वे तो कह दे घरों में जिन्होंने पार्टी बनाई थी। चित्रा जी, अगर हो गया हो तो मैं बात कर लूं प्लीज। चित्रा जी, पार्टी गई देश में, अगर बीजेपी की, चित्रा जी बोलो भाई, कोई किसी कोई मर्ज है कुछ, आप चित्रा जी आप कंट्रोल कर रहे हैं डिबेट को या डिबेट अपने आप चल रहा है? आपको अपनी पार्टी, आपको अपनी पार्टी बचानी, जबकि समित पात्रा आप भी जब बोल रहे थे चित्रा जी, राकेश टिकैत साहब कैद में बंद है, आप देखिए यही चित्रा जी नाका बीच में बांध रहे हैं। अब सरकार को बदलने का अगर मंसूबा किसान पाल लेंगे तो बताइए फिर आप लोगों के साथ कौन खड़ा हो? डॉक्टर समित पात्रा, हमने ये कहा है कि ये कानून बदल, चित्रा जी अगर बोलने का मौका मिला तभी तो बोलूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी विपक्षी नेता ऐसे ही संबित पात्रा को करारा जवाब देते रहेंगे। Bureau Report, Punjab Today TV. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.